कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए प्लांट्स डेवलप करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। चार आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रनाइज नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा। दूसरा, आपके एंथर और स्टिग्मा की डिफरेंट पोजीशन है जिसकी वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तीसरा, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसे कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। हम ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होने नहीं दे रहे हैं। कैसे? या तो आप पॉलन जर्मिनेशन को इनहिबिट कर दिया या फिर पॉलन ट्यूब की पिस्टल के अंदर ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाता है जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो नहीं पाता है। चौथा आता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कुछ प्लांट्स में क्या होता है जैसे कि कैस्टर और मेस, इन प्लांट्स में सेम प्लांट में ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो गई ना, भले ही गेटनोगैमी हो रही है लेकिन ऑटोगैमी को हमने प्रिवेंट कर दिया। कुछ प्लांट्स जैसे कि पपाया में यूनिसेक्सुअल प्लांट मौजूद होता है, मेल फ्लावर आपका अलग पौधे में है, फीमेल फ्लावर अलग पौधे में है, तो आपका कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ना गेटनोगैमी हो रही है ना ऑटोगैमी हो रही है।